अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दावे आपत्तियों का दौर चल रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में आपत्ति करने वाले लोग खुरई एसडीएम तय कार्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि 4 ग्राम पंचायतों के 14 ग्रामों को मिलाकर खिमलासा नगर परिषद बनाई जा रही है और खिमलासा ग्राम पंचायत के कमलेश सिंघई और बसाहरी ग्राम पंचायत के करण सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई है। करण सिंह राजपूत ने बताया कि बसाहरी ग्राम पंचायत की खिमलासा से दूरी 8 किलोमीटर है, जो काफी दूर है। इसके अलावा बसाहरी स्वयं बड़ी ग्राम पंचायत है। इसी के साथ कमलेश सिंघई ने बताया कि खिमलासा को नगर पंचायत नहीं बनाना चाहिए। 4 जनपद सदस्यों सहित एक सरपंच ने कलेक्टर के यहाँ भी आपत्ति लगाई है। खिमलासा नगर पंचायत बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी हुई थी जो मध्य प्रदेश शासन ने की थी, उसके विरोध में हम सभी लोग आपत्ति लगाई थी कलेक्टर महोदय के यहाँ और माननीय उच्च न्यायालय में, जिसके कलेक्टर साहब के तार जो आपत्ति लगाई थी उसके तारतम्य में हम लोगों को SDM साहब ने नोटिस दे के बुलाया था। हम लोग ये चाहते हैं कि खिमलासा या खिमलासा के आजू बाजू की जितनी पंचायतें जोड़ी गई हैं, उसमें 4 पंचायतें जोड़ी गई, उन चारों पंचायतों में एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मजदूर कार्य कर सके। यदि खिमलासा को नगर पंचायत घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में खिमलासा में जो भी लोग मजदूर हैं वो पलायन कर जाएंगे, उनके लिए मजदूरी का काम नहीं बचेगा, मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में उन खिमलासा को नगर पंचायत घोषित न किया जाए। सक्षम में जिसमें 11,000 जनसंख्या है, 5900 वोटर हैं, 49 जिसमें जो है ना, अगर हमारा ग्राम बनाना है तो अलग से बनाया जाए, जिसका मुख्यालय बसारी किया जाए, ताकि गरीब जनता को हमारे खिमलासा ना जनता जो है ना अपना अच्छे से गुजारा कर सके, क्योंकि 11 किलोमीटर मुख्यालय बनाने से सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को पड़ती है। इधर अपना काम करवाने आएंगे, अध्यक्ष साहब मिले नहीं मिले उसकी समस्या बन जाएगी, हमारा जनता जो है ना अपना अच्छे से गुजारा कर सके, क्योंकि 11 किलोमीटर मुख्यालय बनाने से सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को पड़ती है। इधर अपना काम करवाने आएंगे, अध्यक्ष साहब मिले नहीं मिले उसकी समस्या बन जाएगी हमारा।